दोस्तों, अगर आप भी युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप की सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा और इस मुकाबले में दर्शकों का रोमांच अंतिम ओवर में इतना ज्यादा सन्नाटे का माहौल देखने को मिला, तो वहीं इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने भारत को हराकर एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसको भारत कभी भी नहीं भूल पाएगी। बताएंगे इस मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी की पूरी हाईलाइट, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है भारत की टीम इस मुकाबले को किस कारण से हारी, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दुबई के स्टेडियम पर खेले गए सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में सबसे पहले सिक्का नहीं गिरा, जहां विरोधी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसमें विरोधी टीम बिना बदलाव के साथ उतरी, तो वहीं भारत ने दो बदलाव करे। और आपको बता दें, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला श्रीलंका के लिए सही साबित हुआ, क्योंकि श्रीलंका की टीम ने भारत को 20 ओवर में 173 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाने दिए। यहां भारत की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित और उपकप्तान केएल राहुल ने करी। दरअसल, पारी की शुरुआत करते हुए राहुल ने शानदार शुरुआत करने की कोशिश की, परंतु एक बार फिर से एशिया कप में राहुल फेल हुए और दूसरे ओवर में 11 रन के स्कोर पर महेश की गेंद पर वो 7 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 6 रन बनाकर LBW आउट हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए, लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। जी हां दोस्तों, विराट कोहली से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि पिछले दो मुकाबलों में दो अर्धशतक लगाने वाले विराट कोहली इस मुकाबले में सभी को निराश करके गए, जहां तीसरे ओवर में 13 रन के स्कोर पर विराट कोहली ने अपना विकेट 4 गेंदों पर बिना खाता खोले दिलशान मधुशना को दे दिया, क्लीन बोल्ड हो गए। और अब बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए, जहां पावर प्ले में 44 रन भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर बनाए। इस बीच रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 97 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करी। इसी बीच रोहित शर्मा ने 32 गेंदों में अपना 28वां T20 अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं 4 छक्के लगाने के साथ उन्होंने एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड को अपने नाम अफरीदी को पछाड़ कर लिया। लेकिन रोहित शर्मा की पारी को किसी की नजर लग गई। जी हां दोस्तों, 13 ओवर में 110 रन के स्कोर पर कप्तान रोहित शर्मा करुणा रत्ने की गेंद पर निशंका के हाथों 41 गेंद पर 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 176 के स्ट्राइक रेट के साथ 72 रन की पारी खेलकर कैच आउट हो गए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए, परंतु दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और वो 15 ओवर में कप्तान दासुन शनका की गेंद पर 29 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 34 रन की पारी 118 के स्ट्राइक रेट से खेलकर महेश के हाथों कैच आउट हुए। और अब बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत आए, लेकिन अब विकेट का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था, जहां 18 ओवर में हार्दिक पांड्या को विरोधी कप्तान दासुन शनका ने 13 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाने के बाद निशंका के हाथों कैच आउट कराया। लेकिन बल्लेबाजी करने अब दीपक हुड्डा आए, जो बिना खाता खोले कैच आउट हो गए, परंतु बाउंसर होने के कारण गेंद नो बॉल करार दी गई और वो बच गए। परंतु दूसरी तरफ से 19वें ओवर में दिलशान ने तहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों, दिलशान ने पहले दीपक हुड्डा को 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर क्लीन बोल्ड किया, तो वहीं ऋषभ पंत को 13 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 17 रन बनाने के बाद निशंका के हाथों कैच आउट कराया। और बल्लेबाजी करने अश्विन और भुवनेश्वर आए, परंतु अंतिम ओवर में भुवनेश्वर करुणा रत्ने की गेंद पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए, तो वहीं अश्विन ने 7 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 15 रन की नाबाद पारी खेली। तो वहीं विरोधी श्रीलंका की तरफ से दिलशान मधुशनका ने 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं दासुना शंका और करुणा रत्ने ने 2-2 विकेट हासिल किए और महेश तीक्ष्णा ने 1 विकेट प्राप्त किया। लेकिन 174 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंका की टीम उतरी, तो श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने कुशल मेंडिस और निशंका आए, जहां दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने मात्र 1 रन दिया, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने 1 छक्के और चौकों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के सामने तहलका मचाया और पावर प्ले में 57 रन बिना विकेट खोकर बना दिए। और इसी बीच 10 ओवर में पुतुम निशंका ने 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम को विकेट के लिए तरसा दिया। लेकिन 12वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने मुकाबले में बहुत ही बड़ा रोमांच ला दिया। जी हां दोस्तों, 97 रन की ओपनिंग साझेदारी को आखिरकार युजवेंद्र चहल ने तोड़ दिया। उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर पुतुम निशंका को 33 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 52 रन बनाने के बाद गलत शॉट खेलने के कारण रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और बल्लेबाजी करने असल मका आए और इसी ओवर में 3 गेंदों पर बिना खाता खोले सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन अब पारी को संभालने गुणतालिका आए, तो दूसरी तरफ कुशल मेंडिस ने 13 ओवर में 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 14 ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने गुणतालिका को मात्र 1 रन के स्कोर पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया और बल्लेबाजी करने भानुका राजपक्षे टीम को दबाव से बाहर निकालने आए। लेकिन अब विकेट गिरने
लगे, जहां 15 ओवर की पहली गेंद पर युजवेंद्र चहल ने सेट बल्लेबाज कुशल मेंडिस को 37 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 97 रन बनाने के बाद LBW आउट कर दिया। और अब बल्लेबाजी करने कप्तान दासुन शंका आए और दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपने ऊपर दबाव नहीं आने दिया। लेकिन मुकाबला तब रोमांचक हुआ जब 3 ओवर में जीत के लिए 32 रन की आवश्यकता पड़ी और ऐसे में गेंद हार्दिक पांड्या को दी गई, जहां हार्दिक पांड्या ने 12 रन दिए। और अब 2 ओवर में जीत के लिए 21 रन की आवश्यकता थी, लेकिन ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 2 चौकों के साथ 14 रन दे दिए। लेकिन अब जीत के लिए अंतिम ओवर में 8 रन की आवश्यकता थी और गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह को दी गई और पहले 2 गेंदों पर 1-1 रन दिया और तीसरी गेंद पर 2 रन दिए, तो वहीं चौथी गेंद पर 1 रन दिया और मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया क्योंकि 2 गेंदों पर 2 रन की आवश्यकता थी और अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने खाली गेंद डाल दी। लेकिन ऋषभ पंत और अर्शदीप सिंह दोनों पर रन आउट करने का मौका था, लेकिन दोनों चूक गए और 2 रन लेकर श्रीलंका ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, जहां भानुका राजपक्षे ने 17 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 25 रन, तो वहीं दासुन शंका ने 18 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रन की नाबाद पारी खेली और एक गेंद पहले 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, जहां भारत की तरफ से युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट हासिल किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।